हेलो दोस्तों, कैसे हो। इस वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप लोग जब भी डेबिट कार्ड पर ईएमआई लेते हो या फिर क्रेडिट कार्ड पर ईएमआई लेते हो फ्लिपकार्ट पर या फिर अमेजोन पर, तो आप लोग जैसे उसका किस्त भरते रहते हो तो आपका मन जैसे करता है कि मैं बीच में यार उसको बंद करवा दूं, जिसे हम लोग प्री क्लोजर अमाउंट बोलते हैं या फिर प्री क्लोजर लोन बोलते हैं। तो हम लोग उसको कैसे करवा सकते हैं बहुत ही इजीली, वो भी अपने फ़ोन पर। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ उस पर कितना आपका चार्जेस लगता है, कितना आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है, ये सब चीज़ें मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ऐसी वीडियोस देखने के लिए तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं गाइस। मैं आपको ले चलता हूँ अपने जो है स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पर अपना मेरा जो नोट पैड है इस पर ले चलता हूँ। तो दोस्तों जैसे मैं बता दूँ कि मैंने 14,499 रुपये का एक फ़ोन खरीदा था जिसका नाम था रियलमी नार्जो 30। मैंने 10 दिन पहले इसको खरीदा था। तो दोस्तों मैं आपको इसको बता दूं कि मेरे को मतलब अगर मैं बीच में इसको बंद करवाना चाहूं इसकी किस्त वगैरह तो कैसे होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहां पे मैं हर महीने 6 महीने तक का मेरे को 2500 रुपए भरना पड़ेगा। यानी मैंने 6 महीने का टेन्योर सेलेक्ट करा था और मेरे को हर महीने 2500 रुपए देना पड़ेगा और 6 महीने बाद मेरा जो इंटरेस्ट बन के आएगा वो रहेगा 500 रुपए। तो टोटल मेरे को यहां पे 15,000 रुपए इस फोन के लिए चुकाने पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर मैं बीच में चाहूं कि इसका मैं जो तो बंद कर दूं, यानी कि मैं 3 महीने तक मैं मान के चलो कि मैंने 2500 रुपए भरे, टोटल हो गया 7,500 रुपए, और 3 महीने बाद मेरा कितना बचा, 7,000 रुपए वैसे बच गया और 500 रुपए मेरा इंटरेस्ट लग गया, तो मेरा कितना हो गया दोस्तों 15,000 तो कंप्लीट हो गया। तो मतलब मेरा जो तो कितना बचा 7,500 रुपए 3 महीने का बच गया। तो दोस्तों अगर मान लो मैं बीच में इसको बंद करवाना चाहूँ कि मैं टोटल पैसा दे देता हूँ यार, मेरे को जरूरत नहीं है किस्त भरने की, तो अगर आप लोग ये कैसे कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप लोग जिस भी बैंक से लेते हो ना तो आपको सिंपली से उसके कस्टमर केयर के पास फोन करना है। वो आपसे जो है तो नंबर पूछेगा आपका, फोन आपका नाम या फिर आपका अकाउंट नंबर पूछ सकता है। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि आपको अपने ओरिजिनल बैंक जिससे भी आपका जो तो आपने ईएमआई लिया आईसीआई या फिर एसबीआई वगैरह से, तो आपको उसी के पास कॉल करना है ना कि किसी और के पास। और करने के बाद दोस्तों आपको उसको बोलना है कि भाई मुझे प्री क्लोजर या फिर फोर क्लोजर अपना जो तो अमाउंट करवाना है ईएमआई का। तो आपको बता देगा दोस्तों कि 3% या फिर 5% आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस यानी जितना भी पैसा बचा हुआ है 3 महीने या फिर 6 महीने का, तो आपको उसको जो है तो उसका 3% या फिर 5% देना पड़ेगा। तो दोस्तों आप लोग उस तरह से उसको भर सकते हो। तो बोलेगा भाई बस आपको क्या करना रहेगा, जो 7500 रुपए मेरा बचा था तो आपको उसको 7500 का 3% यानी कि 225 रुपए एक्स्ट्रा लगा के आप लोग उसको भर दोगे, तो आपका अगले महीने जो भी जिस तारीख पे भी आप लोग अपना लोन भरते थे या फिर इंस्टॉलमेंट भरते थे 8 तारीख से पहले, तो आपको उस तारीख से पहले वो आपका आपको भरना पड़ेगा और आपका जो तो अकाउंट का या फिर ईएमआई जो है तो क्लोज हो जाएगा। तो बहुत ईजी प्रोसेस रहता है दोस्तों, मैंने कर रखा है एक दो बार, तो दोस्तों बहुत इजी प्रोसेस रहता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप लोग कमेंट पे मेरे को कमेंट कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड के पास जरूर शेयर करना। थैंक यू सो मच।